लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बाद पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं क्षेत्र के पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर पहुंचे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया। इस दौरान कमलनाथ सरकार के 5 कैबिनेट मंत्री भी सिंधिया के साथ नजर आए। सिंधिया ने मंच से कार्यकर्ताओं को सियासत के गुर भी सिखाए। बीच बीच में सिंधिया कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का पाठ पढ़ाते भी दिखे। मेरा एक हृदय का संबंध आप सबके साथ रहा है और ये विश्वास दिलाता हूं अशोकनगर की जनता को और आपके द्वारा, क्योंकि आप सब मैं कहीं ना कहीं आपके दिल में मैं मानता हूं कि छोटा तो स्थान मेरा है, शायद संपूर्ण स्थान न रहा हो इसलिए थोड़ी कमी रह गई थी इस चुनाव में। और कभी कभी हम लोग भी अति आत्मविश्वास में आ जाते हैं कि जीती रहे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। आज हम लोगों को आभास होता है कि एक वोट से भी कितना फर्क होता है। तो कभी भी अति आत्मविश्वास में मत रहना मेरे परिवार के सदस्य। प्रजातंत्र में मैंने सदैव कहा है कि सबसे बड़ा भगवान होता है जनता, क्योंकि जनता आम व्यक्ति को नेता बना देता है और जनता ही उस आम व्यक्ति को वापस जमीन पर लाकर खड़ा कर देता है।